ध्वज यात्रा या शोभा यात्रा कह सकते हो आप, ये शोभा यात्रा थी। कल हमारा कीर्तन है, ये हमारी 16वीं शोभा यात्रा है और कल हमारा 16वां कीर्तन है। हमें 16 साल हो गए, साल तो हो गए 19, लेकिन कोरोना में 2-3 साल नहीं कर पाए। तो हम लोग शाम प्रचार मंडल के ऊपर आप बोर्ड देख रहे हो, रजिस्टर नाम से हमारी संस्था है और ये जागरणी नहीं, ये बड़े धार्मिक काम करते हैं। वृक्षारोपण करना, पेड़ लगाना, जो ऐसा है बच्चे हैं उनको किताब कापियाँ बांटना। कोरोना में हमने शायद 1 लाख से ऊपर खाद का वितरण किया था, अन्न का किया था। मतलब ये हमारी संस्था इस तरह के कार्य करती रहती है समय समय पर, जैसा जैसा मौका लगता है। बंदरों को भी खाना खिलाया था, सब कर रहा है, गाय हो चाहे बंदर हो चाहे आदमी हो चाहे जानवर, सबके लिए हमारा। श्याम प्रचार मंडल के सौजन्य से जो आज निशान यात्रा निकाली गई, उसके लिए सबसे पहले मैं श्याम प्रचार मंडल के प्रधान श्री जगदीश प्रसाद जांगड़ जी का धन्यवाद करता हूं, जो पूरे मंडल को साथ में लेकर के और इतनी भव्य आयोजन करते हैं। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रधान जी के लिए। उसके बाद मैं आपका धन्यवाद करूँगा जो आपने आज हमारी पूरी शोभा यात्रा का जो इतना सुंदर कवरेज किया है और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाओगे आप, इसके लिए आपका भी एक बार धन्यवाद, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। यदि ये श्री श्याम प्रचार मंडली जी हैं जो यहाँ पर, तो उसके जो मंडल के लोग हैं वो बहुत भव्य जागरण व शोभा यात्रा निशान जी जो खाटू श्याम महाराज जी हैं उनको निकालते हैं। और देखिए जी, हमारी तो खैर क्या औकात है, ये सब परमात्मा कराता है, खाटू श्याम महाराज की कृपा है। जिस दिन यात्रा निकलती है उसका भंडारे का आयोजन हमारी तरफ से 254 शिव मंदिर की तरफ से होता है। जय श्री श्याम। पहले तो मैं जो हमारे प्रधान जी हैं जगदीश जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, किस तरह से और किस स्वस्थता से और किस व्यवस्था से इन्होंने जिस तरह से शोभा यात्रा निकाली है, मैं इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और श्याम बाबा से ये प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु इनको इसी तरह से आगे बढ़ाए और ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे भक्तिभाव का। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जो है बाबा श्री खाटू श्याम नरेश की जो पूजा करेगा वो इस कलयुग में पुण्य का भागी बनेगा। तो जो ये खाटू श्याम जी की मान्यता ज्यादा हो रही है पहले से बढ़ के, पहले से देखिए क्या कहेंगे इस पे? मान्यता इसलिए है कि अब ये हमारे कलयुग चल रहा है। भगवान ने कहा था कि जब बर्बरिक का उन्होंने शीश उतारा था और उसको जाके जब ये स्थापित हुआ था मंदिर में, तो उन्होंने कहा था कि आने वाले कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजन ही आपका होगा। हमारे श्याम मंडल के प्रधान जगदीश जांगड़ जी के नेतृत्व में और सभी श्याम खाटू भक्तों के नेतृत्व में जो शोभा यात्रा निकाली गई और कल जागरण है, इस बहुत अच्छा होता है। इसके लिए मैं प्रधान जी को और मंडल की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और श्याम खाटू भगवान से प्रार्थना करता हूं सदा ऐसे ही उत्साह है शोभा यात्रा और जागरण होता रहे। जय।